मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरोसर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड, मेरठ। मेरठ हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव हारे पूर्व विधायक व सपा नेता योगेश वर्मा का दर्द यह कहते हुए छलक गया कि वह चुनाव जीतकर भी हार गए। सब किस्मत की बात है, लेकिन जिन लोगों ने सपा सरकार में मंत्री रहते हुए मौज काटी, उन घर के भेदियों ने उन्हें चुनाव हराने में कोई कसर नहीं छोड़े। ऐसे लोगों की सूची, उनके मोबाइल नंबर आदि सभी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को उपलब्ध कराए जाएंगे। यह वह तय करेंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। योगेश वर्मा का कहना है कि यह चुनाव उन्हें भाजपा प्रत्याशी से तो लड़ना ही पड़ा, लेकिन साथ ही घर के भेदियों से भी वह लड़े। कुछ लोग अब यह आशंका जता रहे हैं कि जो चुनाव जीते हैं वह योगेश वर्मा के समर्थकों के साथ गड़बड़ करेंगे, तो हर घड़ी में अपने ऐसे समर्थकों के साथ वह खड़े रहेंगे जिन्होंने किसी बात की परवाह न करते हुए उन्हें चुनाव लड़ाया है। सोशल मीडिया पर योगेश वर्मा ने आज अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने घर का भेद जरूर कहा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। इशारों इशारे में, लेकिन वह यह बात समझाने में सफल रहे कि उनका इशारा किस तरफ है। आपको याद दिला दें कि मेरठ जिले में समाजवादी पार्टी में वर्तमान में दो धड़े काम कर रहे हैं, एक अतुल प्रधान व योगेश वर्मा, तो दूसरा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह व पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर का। दबथवा रैली में आपसी खींचतान व एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी बराबर होती नजर आई। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आइए देखते हैं क्या कहा योगेश वर्मा ने। सभी को जय हिंद, नमस्कार। अभी एक दो घंटे पहले से मैंने बोला था कि मैं आपके बीच में लाइव आना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। सभी लोग जुड़ जाएं, एक बार बात करना चाहता हूँ आपसे। साथियों, चुनाव का रिजल्ट जो आया है उसके बारे में मैं आपके बीच में कुछ बात रखना चाहता हूँ। चुनाव तो हम हार गए और हार और जीत लगी रहती है, लेकिन मैं आपसे जुड़कर कुछ बात करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, जो साथी, जो मेरे बुजुर्ग जो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, तमाम मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। इसलिए मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ जाएं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं वैसे, तो मैं अपनी बात शुरू कर दूं। इससे पहले एक बार और मैं चाह रहा हूं कि 2 मिनट में अभी आप और जुड़ जाएं। 2 मिनट बाद मैं अपनी बात स्टार्ट कर दूंगा। साथियों, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग परेशान हैं। चुनाव हो गया, काउंटिंग हो गई, 1 महीना आपने रिजल्ट की इंतज़ार की कि रिजल्ट अच्छा आएगा, जीत होगी, लेकिन गड़बड़ हो गई। मैं चाहूँगा कि सभी लोग जुड़ जाएं। तो मैं अब अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया है। उन लोगों का शुक्रिया अदा, धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 1 लाख से ऊपर वोट दिया। जितने साथियों ये वोट मुझे मिली है ना, जितनी वोट मिलकर मैं हारा हूँ, उतनी वोट से भी कम वोट प्राप्त करके लोग जीते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हमने हारे, किस्मत हारी है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मुझे तमाम लोगों ने वोट दिया, बहुत अच्छी वोट दी, पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाया, और जिन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाया, कल जब रिजल्ट आया उनके चेहरे मैंने देखे तो हकीकत बात यह है कि मुझे उनके चेहरे मतलब देखे नहीं जा रहे थे, इस तरीके से मायूस थे वो लोग। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए ये भी कहना चाहता हूँ, जो दलित और मुसलमानों ने जो मुझे पढ़ चढ़ कर ज़बरदस्त वोट दिया और उनके साथ सर्व समाज ने जो मुझे वोट दिया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ घर के वेदी लंका ढाबे वाली मिसाल है ना, वो भी इसमें फैक्टर रहा है चुनाव हारने में। घर का वेदी लंका ढाबे ऐसे कुछ नेता जिन्होंने 5-5 साल मौज ली, 10-10 साल, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ हुआ, उन लोगों ने इसमें बहुत जोर लगाए हैं। चुनाव तो हमारा भाजपा से था और चुनाव लड़ भी रहे थे, मजबूती से आप लड़ा रहे थे, उनके साथ साथ कुछ घर के भेदियों से भी चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन उन लोगों को कैसे समझाया जाता जिन्होंने कसम खा रखी थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, चुनाव हराएंगे। साथियों, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ खुलकर मेरे चुनाव प्रचार में रहे हैं, वो कल मायूस थे। आज भी मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए कि अब कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेहनत की है, पूरी जी तोड़ मेहनत की है जिताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर, निर्देश पर जैन चौधरी साहब की भी पूरी टीम लगी रही। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके दुख सुख में मैं शामिल रहूँगा। आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, ऐसे बात होगी। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके हर कदम पे साथ चलूँगा। आपके दिमाग में ये बात रही होगी कि शायद अब जो चुनाव जीता है वो हमारे साथ कुछ गड़बड़ करेंगे या कुछ इस तरीके से आप मायूस होंगे। कुछ प्रधान भी मेरे साथ खुल कर रहे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करके 1 लाख से ऊपर मुझे पहुँचाया है। उन्हें 1 लाख लोगों के लिए तो आपने मुझे ये सोचकर वोट दिया कि हमारा विधायक योगेश वर्मा होगा। उन 1 लाख लोगों से जिन्होंने मुझे वोट दिया, उनके लिए वास्तविक बात यह है, मुझे अपना विधायक मान के आप लोगों ने वोट दिया है। मैं पूरी ताकत, पूरी तरीके से पूरे आपके साथ रहूँगा। नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो ठीक है, 1-2 दिन, 2-4 दिन आप लोगों को दिक्कतें आएंगी। प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, हार भी जाता है, जीत भी जाता है, दोनों लगी रहती है। लेकिन सच में बात यह है कि सपोर्टर ही चुनाव जीतता है, सपोर्टर ही चुनाव हारता है। आज मेरे सपोर्टरों पे क्या बीत रहा है वो मैं जानता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में अभी मैं सोच रहा था कि अभी 2-3 दिन बाद आऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जब मैंने देखा कि कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कल भी कई है मेरे साथी मेरे जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, वो आंसू से रो रहे थे। मैंने बहुत समझाया उनको, लेकिन नहीं समझ पा रहे थे। आज भी मैं उनको कहना चाहता हूँ, कई जगह से फ़ोन आए कि देखिए जो 1 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया वो मेरा परिवार है, मेरे घर के लोग भी परेशान हैं और मेरे साथी भी जिन्होंने मेरे सपोर्टर हैं वो भी परेशान हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। जब मैं अपने घर वालों को भी समझाया, मैंने भाइयों को भी समझाया, अपने दोस्तों को भी समझाया, अपने साथियों को भी समझाया, तो मैं इन 1 लाख लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, आपने मुझे वोट दिया है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, साथ रहूँगा। आप देखिए, आप लोगों ने पूरे हिम्मत के साथ अकेले रह के मुझे चुनाव लड़ाया। हमने किस किस से चुनाव लड़ा इस बात को मालूम है। दूसरी सीरीज फाइट हो गई चुनाव में हमारी और भाजपा की। कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे थे कोई आज़ाद समाज पार्टी से थे, वो अगर थोड़ी सी और वोट ले लेते वो 1000 पे वोट नहीं ले पाए। कांग्रेस का उम्मीदवार भी कुछ नहीं चल पाए, 1200-1300 वोट पर सिमट गए। कोई ओबीसी वाले तो वहीं से चल रहे थे जहाँ से उन्हें चलाया गया। तो अब आप बताइए, आप सीधे सीधे मुझे चुनाव लड़ा रहे थे अकेले दम पर अपने, और हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे वो सिर्फ इस वजह से चुनाव लड़ रहे थे कि योगेश वर्मा को कैसे हराया जाए। तो चिंता की बात मत करो, ये ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कहीं हार तो कहीं जीत होती है। और नापना है तो समुंदर की गहराई को नापो, किनारों से तो बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो मेरा तो ये कहना अपने साथियों से दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे खुलकर चुनाव लड़ाया, मैं खुलकर आपके साथ हूँ। घर के भेदियों का मैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रचार, जो पार्टी में भी रह के जिन्होंने प्रचार खिलाफ किया है, उनकी सबकी सूची, सबके मोबाइल फ़ोन नंबर, जिस तरीके से गलत तरीके से कुछ लोगों ने चुनाव लड़ाया है दूसरों को, मैं उनके बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़रूर बताऊंगा, चाहे वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे या ना करे। लेकिन उनको बताऊंगा कि चुनाव में जब तुमने 10-10 साल 5-5 साल मंत्री रह के मौज मस्ती ली, और जब एक समय आता है पूरे 5 साल तुम पार्टी के नाम पे काटते हो, और जब चुनाव वाला दिन आता है उस समय तुम दूसरी तरफ चले जाते हो, तो मौज मस्ती के लिए तो पार्टी और बाद में दूसरे को सपोर्ट कर देना, ये बात मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़रूर बताऊंगा। चुनाव में आप लोगों ने मेहनत की, दिल से मेहनत की, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथियों, बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल टेंशन मत लो, अफवाह पर मत जाना किसी भी तरीके से। हम आपके साथ में साथ रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए तमाम लोगों का। सब लोगों ने जुड़कर मेरे से बात की, बात सुनी मेरी, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत वोट दी है, 1 लाख से ज़्यादा वोट मुझे मिली है। मैं चुनाव नहीं हारा हूँ, किस्मत चुनाव हारी है। हर बार हर चुनाव में मुझे आपने हस्तिनापुर से बढ़त दिलाई है। इस बार भी 1 लाख वोटों से ऊपर मुझे वोट मिला है। 5-6 हज़ार से मैं चुनाव हार गया। वैसे तो हार तो एक वोट की भी होती है और जीत भी 1 वोट की होती है, लेकिन नहीं था किस्मत में। फिर आपकी सेवा मैं वैसे भी करूँगा, लेकिन बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम लोगों का। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हराने के लिए मेहनत की है, जो घर के भेदी है। मैं उनको मेहनत, जो पार्टी के, जो भाजपा वाले चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। शुक्रिया उनको नहीं, शुक्रिया उनको दे रहा हूँ जो हमारे साथ, हमारी पार्टी में, और कुछ लोग जो गांव की पार्टीबाजी में, जिन्होंने अपने इस बात को रखने के लिए कि भाई ये आदमी योगेश वर्मा के साथ क्यों है, हम इसके साथ में रहेंगे, ये ऐसे, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खैर, कोई बात नहीं है, ये जो हो गया सो हो गया है। हम चुनाव जीत कर भी हार गए, ये किस्मत की बात है, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद, सबको नमस्कार।